अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल राणा आलम, ऑर्किड फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम का एक एनजीओ का चेयरमैन हूँ। ये वेस्ट बंगाल में छोटा सा एनजीओ है, जो हम लोग अभी COVID-19 के वजह से कुछ बाहर माइग्रेंट लेबर्स जो अटके पड़े हुए हैं, जो भी हमारे बंगाल के लोग बाहर प्रॉब्लम में हैं, उनको खाने का दिक्कत हो रहा है, हम लोग वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके उनका दो टाइम खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को बताएंगे दो ऐसे लोगों के नाम जो लोगों ने हम लोगों को बहुत मदद किया, उनको जस्ट थैंक यू कहने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। महेश कुलकर्णी सर, जो कि मुंबई के एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनका नाम है RSS ऑर्गेनाइजेशन से है, वो कार्यकर्ता है। और एक नाम है गणेश पांडे सर, इन दोनों ने बहुत हेल्प किया हम लोगों को। हमारे यहाँ का मुर्शिदाबाद के कुछ मुस्लिम भाई लोग वहाँ पे अटके हुए थे, तो हम लोगों ने पहले मुंबई पुलिस में कांटेक्ट किए थे, वहाँ का घाटकोपर के ACP साहब ने बहुत मदद की, उन्होंने नंबर दिया कंट्रोल रूम का, कंट्रोल रूम से हम लोगों को नंबर मिला इन लोगों का कि ये लोग खाना बांट रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब मुझे आइडिया नहीं था कि RSS का नंबर है, वो लोग बोला ये वॉलंटियर्स है। तो मैंने बात किया महेश कुलकर्णी जी से, पहले कांटेक्ट हुआ तो उनको मैं बताया, जब मुझे पता चला कि RSS है तो तब तो सोच रहे थे कि नहीं यार मुस्लिम है ये लोग सारे, कैसे RSS वाले तो ऐसे हम लोग को हिट करते हैं कैसे, जो हम लोगों का दिमाग में बैठा हुआ रहता है। तो मैंने उनको पूछा कि सर दे आर ऑल मुस्लिम, कैन दे गेट फूड ऑल्सो फ्रॉम यू? बोला हाँ यार क्यों नहीं मिलेगा, हम पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं, हम लोग सब अपने भाई हैं, यही कहा इसी वर्ड में महेश कुलकर्णी जी ने कहा। और बाद में जब धारावी एरिया के लिए मेरा कॉन्टैक्ट हुआ गणेश पांडे सर ने, उनका नंबर महेश कुलकर्णी जी ने दिया था, तो गणेश पांडे सर का भी देखा सेम उनका भी व्यूज एक ही है कि सारे इंडियन है, हमारा हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब भाई भाई है, अभी ये COVID-19 इमरजेंसी के टाइम में सबको मदद करना है। तो ये अच्छा लगा उनका ये कि हम लोगों को जैसे मीडिया में पेपर में देखते रहते, कभी कभी होता है हुआ बहुत कुछ गलत भी हुआ, ऐसा नहीं कि मैं अब तक का RSS का क्रिटिसाइज नहीं किया हूँ, इन फ्यूचर मैं भी कर सकता हूँ, करूँगा भी अगर कुछ गलत देखूंगा, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, कभी भी कुछ गलत होता है हम लोग बोलते हैं, NGO वाले मुंह खोलते ही है। तो बात यह है कि अभी जो अच्छा हुआ है इसको अप्रिशिएट करना है, इतना मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने अच्छा किया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रियली महेश सर और गणेश सर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इनके जैसे लोगों के लिए ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नाम करता है, और अगर इनके जैसे लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी गलत स्टेप ले ही नहीं सकता, अगर वो लोग डिसीजन मेकर है तो, जैसे कि वो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है कोई फंडामेंटलिस्ट होता है उनके जगह में तो वो कभी अलाउ नहीं करता। बट ये जो उन्होंने दिखाया ह्यूमैनिटी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा कुछ भी हो, मैं कोई भी पार्टी से हो, उस पार्टी का एजेंडा कुछ भी हो, मेरे लिए इस दौरान में ये प्रॉब्लम इमरजेंसी के दौरान में लॉकडाउन के दौरान सबको जो भी प्रॉब्लम में है सबको मदद करना है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने वही किया एज ए ह्यूमन बीइंग, जो करना चाहिए वही किया, उन्होंने प्रूव कर दिया ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग। तो रियली थैंक यू टू बोथ ऑफ देम, हम लोग अपने NGO की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद जनाते हैं आप लोगों को, क्या हमारे जितना भी नाम आप लोगों को भेजे थे सब लोगों को आपने दोनों टाइम खाना आप लोग दे रहे हैं, और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब तक लॉकडाउन चलेगा आप लोग ऐसे ही उनको मदद करेंगे, अपना भाइयों का सेफली उनको रखेंगे वहाँ पे। और हम आप देखे होंगे फेसबुक में मैं पोस्ट भी डाला हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे मोर देन 90% लोग कमेंट डाले हैं, सब पॉजिटिव कमेंट आप लोगों के लिए, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बंगाल में, अब बहुत खुश है सब लोग कि आप लोगों ने ये किया। तो ये जो किया आपने एक मिसाल कायम किया है, सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग RSS के लिए जो दिल में उनका एक अलग व्यूज था, पहले कुछ गलत हुआ है, कुछ चीज़ येलो जर्नलिज्म के वजह से आया है, कुछ चीज़ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने खराब किया है, जो भी है, तो ये सब होना नहीं चाहिए। इंडिया है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सब लोग रहेंगे, आपने जो किया ये सारे एक्सपेक्ट है, अगर कोई मुस्लिम भी है उनके अंदर भी फंडामेंटलिज्म ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, या हिंदू भी है तो ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम को हेट करें, देश से बाहर निकाल देंगे ऐसा सोच रहे,
सबको अपने मिलके रहना है। आपके जैसे लोग अगर रहेंगे तो मिलके हम लोग पूरा समाज को, पूरा सोसाइटी को सुधार सकते हैं। और ये जो गलत जहर जो भरा हुआ है दिल में सब कुछ कुछ लोगों के अंदर, ये हम निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, जस्ट टू स्प्रेड दिस। सबको दिखाना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनके अंदर में हिंदू है तो उनके मुस्लिम के लिए उनके अंदर हेट है, अगर मुस्लिम है तो उनके लिए उनके अंदर हिंदू के लिए हेट है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी एनजीओ से है, मेरे 90% वॉलंटियर मुस्लिम से, वो लोग सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने रिसेंटली कुछ साउथ इंडियन के कुछ हिंदू फैमिली को भी हम लोगों ने वहाँ पे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी साहब से बात करा के उनका हेल्प किया, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं हम लोगों के लिए। जैसे आप लोग सोशल वर्क है वैसे हम लोग भी है, तो हम लोगों के लिए एक ही चीज़ होना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी। ह्यूमन है कोई भी हो भाई, क्या कौन सा रिलीजन में क्या जात पात है, मर जाएंगे सब, खत्म हो गया। तो बस जस्ट जस्ट यही दिखाना है कि कोई भी प्रॉब्लम में हो इस दौरान सबको हेल्प करना है। और आप दोनों ने ये सबको दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि ह्यूमैनिटी से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का काम पे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे लोगों को ऐसे मदद करते रहिए और मिलके काम करेंगे सब लोग आपके जैसे। हम लोग भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं जितने को हेल्प किया जा सके। जय हिंद सर, थैंक यू।